हेलो दोस्तों, आप सभी लोग नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट ऑफ मिश्रा जी में स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए, आज आरसीबी वर्सेस एसआरएच का मुकाबला होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। जो देखिए, एक तरफ होंगे गर्म चीज, एक तरफ होगी नरम चीज, क्योंकि देखिए विराट कोहली हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं, और दूसरी तरफ केन विलियमसन आपको पता है कितना कूल माइंडेड है, कितना मतलब कि शांत रह के अपने खेल को खेलता है। तो दोनों का बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस आईपीएल 2022 में पहली बार आरसीबी और एसआरएच का मुकाबला होगा। आपको पता है कि एसआरएच ने लास्ट तीनों मैच मुकाबले जीत के आई है, वहीं आरसीबी ने दोनों मुकाबले लास्ट के जीत के आई है, और टॉप फोर में इसमें आरसीबी भी है। तो मतलब कि देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि देखिए अभी विराट कोहली का बल्ला उतना अच्छा बोल नहीं रहा, क्योंकि देखिए अभी तक 7 मैचेस हुए हैं, 7 मैचेस में करीब 119 रन बनाए हैं, करीब 21 का एवरेज है और 123 का स्ट्राइक रेट है। तो काफी कम है, एक विराट कोहली के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेयर केस में ऐसा आंकड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कितना किस क्लेवर का बैट्समैन है, किस क्लेवर का खिलाड़ी है, किस क्लेवर का प्लेयर है, आपको सबको पता है विराट कोहली के बारे में। तो देखिए, और वही केन विलियमसन भी उतने अच्छे फॉर्म में है, अभी तक जो भी पारियां खेली बहुत उतने अच्छे पारियां नहीं खेल पाए हैं और उतने अच्छे फॉर्म शो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखिए उनके बल्ले से उस तरह की स्ट्राइक रेट से उस तरह की फॉर्म नहीं शो हो रहा जिस तरह केन विलियमसन जिसके लिए जाने जाते हैं। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, और देखिए दोनों टीमों की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। ये देखिए उमरान, एक तरफ एसआरएच की बात करें मार्को यांसन है, उमरान मलिक है, टी नटराजन है, उसका भूबी है, उसके बाद श्रेयस गोपाल है, आपके शशांक सिंह आपके पास अवेलेबल है। तो ह्यूज ह्यूज मतलब कि फास्ट बॉलिंग आउटलेट बहुत जोड़ता है, आपको पता है उमरान मलिक 150 कम फेंक ही नहीं रहा है इस समय, और उसमें चर्चाएं के विषय बना पड़ा। वही दूसरी तरफ देखिए हमारे जो आरसीबी की बॉलिंग है, हेजलवुड आपको पता है कि लास्ट 2 मैच मुकाबले जिताया है उसने, लास्ट में 4 विकेट निकाला, वहीं सिराज मोहम्मद वैसे फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद हर्षल पटेल सबको पता है, उसके बाद आपको पता है कि हर्षरंगा है, उसके बाद शहबाज अहमद हो गए, उसके बाद मैक्सी कुछ ओवर निकाल सकते हैं, तो उनके पास बॉलिंग तो पूरी है इनके पास आरसीबी के पास। और बैटिंग अगर बात करें तो अनुज रावत को ऊपर से नहीं खिलाना है, क्योंकि अनुज रावत स्ट्राइक रेट रोटेशन भी प्रॉब्लम, उसको स्ट्राइक रेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो अनुज रावत को ड्रॉप करना चाहिए। ओपनिंग जो है विराट कोहली के साथ और फाफ डुप्लेसिस के साथ करना चाहिए, उसके बाद थर्ड नंबर पर महिपाल रुमाल को खिला लेना चाहिए, क्योंकि महिपाल बहुत अच्छा स्ट्राइकर है और एक बॉलिंग का विकल्प भी निकाल देता है, तो महिपाल रुमाल का खेलना आज बनता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैक्सी आ सकते हैं, उसके बाद प्रभु देसाई आ सकते हैं, उसके बाद डीके आ सकते हैं, दिनेश कार्तिक आ सकते हैं, उसके बाद आपको देखिए शहबाज अहमद आ सकते हैं, उसके बाद हसरंगा हो गए, हर्षल पटेल हो गए, हैजल बुड हो गया, मोहम्मद सिराज हो गए, तो ये बहुत अच्छा यूनिट बन सकता है, कमाल का वो बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए आज ओपनिंग फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली करना चाहिए। देखिए अगर दोनों टीम को हम प्लेइंग 11 में बात करते हैं, तो प्लेइंग 11 में क्या हो सकती है, दोनों टीम को पहले बता दें प्लेइंग 11 में क्या हो सकती है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लेइंग 11 की बात हम कर लेते हैं। देखिए आरसीबी के लिए विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस हो गए, महिपाल हो गए, मैक्सी हो गया, प्रभु देसाई हो गया, डीके हो गया, शहबाज हो गया, हसरंगा हो गया, सिराज हो गया, हर्षल पटेल हो गया, हैजल बुड हो गई, हमारी टीम। उसके बाद एसराज की बात करें तो केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडम मार्क्रम, निकोलस पूरन, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल हो गए, और भूबी हो गया, मार्को यांसन हो गया, उमरान मलिक हो गया, टी नटराजन हो गए, ये हमारी टीम हो गई। और आपको पता है एसआरएच तरफ से राहुल त्रिपाठी कमाल की फॉर्म में इसमें चल रहा है, उसके बाद निकोलस पूरन भी इसमें बहुत अच्छा खेल रहा है, लास्ट एक मैच उसने जिताया भी है, और एडम मार्क्रम बहुत अच्छा फॉर्म में भी दर्शाया है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है एडम मार्क्रम। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें टक्कर के लगी, दोनों टीमें बराबर लग रही, बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से अच्छी लग रही है, लेकिन अनुज रावत को आरसीबी ड्रॉप करना चाहिए। देखिए अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं हमेशा मैंने आरसीबी को सपोर्ट किया है, तो मेरे हिसाब से आज आरसीबी मैच जीतेगी, आज मुझे ऐसा लगता है, और मेरी गट फीलिंग भी है कि आरसीबी आज मैच निकाल दी जाएगी। तो सो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।